आइए बच्चों, अब हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैमल को कैसे उसका कूबड़ प्राप्त हुआ है। हम्प मीन्स क्या होता है? कूबड़। इसे लंप भी कहते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन। दुनिया की शुरुआत हुई थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। और जो जानवर थे मानव के लिए काम कर रहे थे। देर वाज वन लेजी एनिमल। एक सुस्त जानवर था। दैट डिड नथिंग। जो कुछ नहीं करता था। एंड सेड नथिंग। कुछ नहीं कहता था। बट सिवाय हम्प। हम्प वर्ड बोलता था वह। इवन द क्लेवर जिन। जो चालाक जिन था। वाज एट हिज विट एंड। वह भी अपसेट हो गया था। विट्स एंड का मतलब समझ में नहीं आना, कुछ दुविधा में होना, अपसेट होना। इन द बिगिनिंग। शुरुआत में। वैन। जब। द वर्ल्ड वाज न्यू। दुनिया नई थी। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर हिम। और जानवरों ने इंसान के लिए काम करना शुरू किया था। देर वाज ए कैमल। एक कैमल था। ये देखो चित्र में दिखाई दे रहा, ऊंट। एंड ही लिव्ड। वह रहता था इन द मिडल। मध्य में। ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट। एक हाउलिंग डेजर्ट के। ये एक प्रकार का बड़ा डेजर्ट होता है, रेगिस्तान, सुनसान टाइप का। बिकॉज। क्योंकि। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। वह काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स। वह छोटी छोटी टहनियाँ खाता था। एंड थॉर्न्स। और कांटे खाता था। एंड प्रिकल्स। और ये भी कांटेदार झाड़ी सी होती है, इसको खाता था। एंड वैन एनीबडी स्पोक। और जब कोई बोलता था टू हिम उससे। ही सेड। वह कहता था हम्प। जस्ट सिर्फ हम्प। एंड नो मोर। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रेजेंटली कुछ समय बाद। द हॉर्स केम टू हिम। घोड़ा उसके पास आया। ऑन मंडे मॉर्निंग। मंडे की सुबह। विद ए सैडल। उस पे एक सैडल थी उसकी। ऑन हिज बैक। उसकी कमर पे एक सैडल थी। ये जो साज होती है या काठी भी बोलते हैं। एंड सैडल। और उसने कहा कैमल। ओ कैमल। ऊँट। अरे ऊँट। कम आउट। आओ। एंड ट्रोट। और तेज़ी से चलो। ट्रोट मीन्स दुलत्ती मार के चलना, जैसे घोड़ा चलता है ऐसे ही दुलत्ती मार के तेज तेज चलना। लाइक द रेस्ट ऑफ अस। लाइक मीन्स की तरह। रेस्ट ऑफ अस जो हम हैं, हम सब की तरह चलो। हम्प। सेड द कैमल। कैमल ने कहा हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे। और घोड़ा चला गया। एंड टोल्ड द मैन। और आदमी को जाकर उसने बताया। प्रेजेंटली कुछ समय बाद। प्रेजेंटली के दो मीनिंग होते हैं, इसी समय या कुछ समय बाद। द डॉग केम टू हिम। कुत्ता उसके पास आया। विद स्टिक। और उसके एक स्टिक थी उसके पास। इन हिज माउथ। उसके मुंह के अंदर स्टिक थी, ये देखो स्टिक है। एंड सेड। और कहा कैमल। ओ कैमल। कम आओ। एंड फैच एंड कैरी। लाओ और ले जाओ। जैसे लाना और ले जाने का काम होता है ना, इसको फैच एंड कैरी कहते हैं। लाइक द रेस्ट ऑफ अस हम सब की तरह। हम्प। सेड द कैमल। कैमल ने कहा हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे। और डॉग भी चला गया। एंड टोल्ड द मैन। और आदमी को जाके बताया। प्रेजेंटली कुछ समय बाद। द ओक्स केम टू हिम। एक बैल आया उसके पास। ओक्स आया। विद द योक। और उसके पास एक योक था। योक होता है एक प्रकार का जुआ जो कंधे पे रखा जाता है। ऑन हिज नेक। उसकी गर्दन पे। एंड सैडो। और कहा कैमल। ओ कैमल। कम आओ। एंड पलाओ। और हल चलाओ। जैसे खेतों खेतों को जोतते हैं ना, कल्टीवेट करते हैं, उसको पलाओ बोलते हैं। लाइक द रेस्ट ऑफ अस हम जितने भी हमें शेष उनकी तरह। हम। सैड द कैमल। कैमल ने कहा। एंड द ओक्स वेंट अवे। और ओक्स भी चला गया। एंड टोल्ड द मैन। और उसने सारी बात जाके आदमी को बताई। एट द एंड ऑफ द डे। दिन के अंत में। द मैन कॉल्ड। आदमी ने बुलाया। द हॉर्स घोड़े को। एंड द डॉग और कुत्ते को। एंड द ओक्स और बैल को। टुगेदर एक साथ। एंड सेड और कहा थ्री ओ थ्री। तीनों तीनों। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ तुम्हारे लिए। बट दैट हम्प थिंग। वह जो हम्प की तरह की चीज़ है, यानी किसके लिए बोला उसने? ऊँट के लिए। इन द डेजर्ट। डेजर्ट में, रेगिस्तान में। कांट वर्क। काम नहीं कर सकती। और अथवा ही वुड हैव बीन हियर। वरना वह यहाँ होता। बाई नाउ। अब तक। बाई नाउ मीन्स अब तक। सो इसलिए आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ अकेला। अलोन मीन्स अकेला। लीव मीन्स छोड़ना। एंड यू मस्ट वर्क डबल। तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा। टू मेकअप यानी क्षतिपूर्ति करने के लिए। मेकअप मीन्स क्षतिपूर्ति करना, जैसे उसके नाम की। फॉर इट इसकी। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। वे तीनों के तीनों थे जो बड़े गुस्सा हुए।
एंड दे हेल्ड ए पंचायत, और उन्होंने एक हेल्ड मीन्स आयोजित करना, तो ये सेकंड वर्ब है हेल्ड, आयोजित की एक पंचायत आयोजित की ऑन द एज किनारे पे ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के। एंड द कैमल केम, और वहाँ पे कैमल आया च्यूइंग चबाते हुए कर्ड, जो वे कर्ड थे चारा वगैरह घास वगैरह वहाँ की। एंड लाफ्ड, और वह हंसा एट देम उन पर। देन ही सेड, तब उसने कहा हम्प। एंड वेंट अवे अगेन, और फिर चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग दैट जिन, अब क्या हुआ कुछ समय बाद वहाँ पे जिन आया, हु वाज इंचार्ज, जो कि इंचार्ज था ऑफ ऑल डेजर्ट, पूरे के पूरे डेजर्ट की देखभाल वही करता था, उसका इंचार्ज था वह। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, जैसे रोलिंग करते हुए घूमते से हुए एक बादल में, ऑफ डस्ट, डस्ट का जैसे धूल का बादल सा होता है, ये देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये धूल का बादल सा, इसमें रोलिंग करते हुए आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड, सारे डेजर्ट्स के जिन ने कहा, द हॉर्स सेड, द हॉर्स जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, सारे डेजर्ट के जिन सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, इज इट राइट, क्या ये ठीक है फॉर एनी वन, किसी के लिए भी, टू बी आइडल, खाली होना यानी आलसी होना, आइडल मीन्स आलसी या खाली बैठना, जैसे निकम्मा टाइप का। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, सर्टेनली मीन्स निश्चित तौर पे, नॉट नहीं, सेड द जिन, जिन ने कहा, वेल अच्छा, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, देर इज ए थिंग, एक चीज़ है, इन द मिडल, मध्य में, ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे डेजर्ट के, विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, और उसके लंबे लंबे टांगे हैं। एंड ही हैजंट डन ए, और उसने नहीं किया ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, ए स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब एक तिनका भी काम नहीं किया, ए स्ट्रोक ऑफ का मतलब तिनका, यानी ए बिट ऑफ, सिंस मंडे, मंडे की मॉर्निंग से। ही वॉन्ट ट्रॉट, वह हमारी तरह चलेगा भी नहीं, ट्रॉट भी नहीं करेगा, तेजी से नहीं चलेगा। व्यू, आश्चर्य में किया उसने, सेड द जिन, जिन ने ऐसे व्यू ऐसे बोलते हुए आश्चर्य किया, विसलिंग सिटी बजाते हुए, दैट इज माई कैमल, और ये कहा कि वह मेरा कैमल है। वट डज ही से, वह क्या कहता है अबाउट इट, इसके बारे में। ही सेज हम्प, वह कहता है हम्प। एंड ही वॉन्ट प्लाउ, और वह हल भी नहीं चलाएगा, सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सेड द जिन, जिन ने कहा, आई विल हम्प हिम, मैं उससे करवाऊंगा, हम्प करवाऊंगा, उसका मतलब ठीक करूंगा, मैं उससे काम करवाऊंगा, ये कहना चाह रहा है। इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, यानी तुम थोड़ा इंतजार कर लोगे तो मैं उसे हम्प करा दूंगा, यानी ठीक कर दूंगा उसे, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड, रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शिकायत करना, विद द कैमल, कैमल से शिकायत की उसने, हु सेड, जिसने कहा हम, जो हम कहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लंप, तभी उसकी सुंदर जो कमर थी उस पर एक लंप हो गया, यानी कुबड़ हो गया, विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कैमल का हम्प था। द जिन एश्योर्ड, जिन ने उसे भरोसा दिलाया था कैमल, कैमल को, हिज हम्प, जो उसका हम्प है, वुड ऑलवेज बी ए हेल्प, ये हमेशा एक उसकी हेल्प होगा, नॉट ए हाइंड्रेंस, एक रुकावट नहीं होगा, हाइंड्रेंस मीन्स रुकावट या बाधा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ, जिन ने अपने आप को रोल किया, गोल गोल किया, इन हिज डस्ट क्लॉक, अपने जो डस्ट का लबादा है, एक डस्ट की तरह का लबादा सा है कपड़ा होता है वैसे, चोगा। एंड टू के वाक, और वह गया अक्रॉस द डेजर्ट, डेजर्ट की तरफ गया। एंड फाउंड, और पाया द कैमल, कैमल को पाया, लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जो अपनी ही परछाई देख रहा था, ओन मीन्स अपनी, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, इन ए पूल ऑफ वाटर, एक पानी के तालाब में। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, वट इज दिस, ये क्या है, आई हियर, मैं सुनता हूँ ऑफ योर डूइंग नो वर्क, के तुम काम ही नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया, विद हिज चिन इन हिज हैंड, और उसके हाथ में चिन को रखे हुए, जैसे ये देखो यहाँ पे हाथ में चिन को, ठुड्डी को रखे हुए, चिन होती ठुड्डी। वाइल, जबकि द कैमल लुकड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, कैमल है उसने देखा अपनी ही रिफ्लेक्शन को, परछाई को, इन द पूल, पूल, पूल ऑफ वाटर, जो पानी का जो पूल था, तालाब था। यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क, यानी तुम्हें तीन काम दिए गए हैं एक्स्ट्रा वर्क, एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग से।
ऑल सारे ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारे निकम्मेपन के कारण, ठालीपन के कारण। आइडलनेस मानी सुस्तीपन या निकम्मापन या खालीपन या ठालीपन। ऑन अकाउंट ऑफ मानी की वजह से या के कारण। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड और ही वेंट ऑन थिंकिंग, वह सोचता गया। विद चिन इन हिज हैंड, अपनी चिन को अपने हैंड में रखे हुए। जैसे देखो यहाँ पे ये चिन को हाथ लगाए हुए हैं, हाथ में रखे हुए, और ये अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा है। हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प। आई स्टूडेंट से, मुझे नहीं कहना चाहिए दैट, वह अगेन दोबारा। इफ आई वर यू, यानी मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू का मतलब मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कुछ नहीं बोलता। सेड द जिन, जिन ने कहा। यू माइट से, तुम कह सकते थे इट वंस, एक बार, टू ओपन, और बार बार ये कहते हो तुम ये। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, कैमल ने कहा हम्प अगेन दोबारा। बट नो सूनर हैड ही सेड, अभी उसने कहा ही था इट, यह देन ही शाह हिज बैक, उसने अपनी बैक देखी, कमर देखी। दैट ही वॉज सो प्राउड, जिसपे उसे प्राउड था, गर्व था उसे। पफिंग अप, और वह पफिंग अप कर रही थी, ऊपर की तरफ फूल रही थी। पफ मीन्स फूलना, एंड पफिंग अप, ऊपर की तरफ फूल रही थी। इन टू ए ग्रेट बिग हम्प, एक बहुत बड़ा हम्प बन गया था, कुबड़ बन गया था। डू यू सी दैट, क्या तुम वह देखते हो। सेड द जिन, जिन ने कहा। दैट इज योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा अपना हम्प है, अपना कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, जो तुम खुद ही लाए हो, ये तुम ही हो इसका कारण। बाई नॉट वर्किंग, क्योंकि तुमने काम नहीं किया। टूडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क, और तुमने कोई भी काम नहीं किया है सिंस मंडे, मंडे से। वैन द वर्क बिगेन, जब शुरू हुआ था काम। नाउ अब यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, तो उसने कहा कैमल ने, कैसे कैसे कर सकता हूँ विद दिस हम्प, इस हम्प के साथ, इस कुबड़ के साथ। ऑन माई बैक, जो मेरी कमर पे है। दैट एज ए पर्पज, सेड द जिन, जिन ने कहा इसका एक पर्पज है, उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड, क्योंकि तुमने मिस किया था, तुम चूक गए थे। दोज थ्री डेज, तुमने तीन दिन तक काम नहीं किया था। यू विल बी एबल, तुम समर्थ होंगे टू वर्क नाउ, अब तुम काम करने में समर्थ हो जाओगे। फॉर थ्री डेज, तीन दिन तक विदाउट ईटिंग, बिना खाए तुम मतलब काम कर पाओगे। बिकॉज, क्योंकि यू कैन लीव, तुम जिंदा रह सकते हो ऑन योर हम्प, अपने हम्प पे, हम्प की वजह से, कुबड़ की वजह से। एंड डोंट यू एवर से, और कहना मत कुछ आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट, आओ बाहर, आओ ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से। एंड गो टू द थ्री, और जाओ उन तीनों के पास। एंड बिहेव, और वहाँ पे बिहेव का मतलब यहाँ व्यवहार करना, जैसे काम करना है, मतलब जैसे वे काम करे ऐसे ही तुम करना काम। एंड द कैमल वेंट अवे, और कैमल चला गया टू जॉइन द थ्री, उन तीनों के पास। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, टू दिस, आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर से हम्प, कैमल है वो पहनता है ए हम्प, एक कुबड़, यानी उसको एक कुबड़ है, ये कहना चाहता है। वी कॉल इट हम्प, हम इसको हम्प कहते हैं नाउ, अब। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स है जो उसको हर्ट, यानी चोट पहुंचाने के लिए नहीं। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप, अब तक उसने कॉट अप नहीं किया, यानी पूरा नहीं किया है, भरपाई नहीं की है। जो काम था तीन दिन का वो पूरा नहीं किया, विद द थ्री डेज, जो तीन दिन का था, दैट ही मिस्ड, जो वह चूका था। एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की शुरुआत में वह चूका था, वह काम अभी तक वह पूरा नहीं कर पाया है, भरपाई नहीं कर पाया। कट अप मीन्स भरपाई करना, भरपाई करना। एंड और ही हैज नेवर येट लर्न, और उसने अभी तक नहीं सीखा हाउ टू बिहेव, कि कैसे कार्य करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में कक्षा 12th तक के वीडियोज इस पर उपलब्ध होंगे, जो फ्यूचर में भी आपके काम आएंगे। थैंक यू।